नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। बंगाली में बटर चिकन की जगह नमक रोटी खाने वाले पाकिस्तान को मोदी सरकार ने एक और करारा झटका दिया, तो पाकिस्तान की चीख निकल आई। बता दे, हाल ही में मोदी सरकार ने ऐसा निर्णय लिया था जिसके चलते इमरान हुकूमत को मिर्ची लग रही है। जी हां, बता दे, गुरुवार को केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए LOC पर पाकिस्तान के साथ व्यापार पर रोक लगा दी थी। दरअसल सरकार को इस प्रकार की जानकारी मिली थी कि व्यापार के नाम पर पाकिस्तान इस रूट से अवैध हथियार भेज रहा था और एक बहुत बड़ा हवाला कारोबार चला रहा था। इन्हीं घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए चीन सरकार ने पाकिस्तान को ये मजबूत दोष दी है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक पाकिस्तान ने इस बात से इनकार कर दिया और उल्टा भारत पर बचकाने आरोप लगा रहा है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बता दे, पाकिस्तान इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि हिंदुस्तान ने उसके साथ सभी तरह के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तान इस बात से इतना ज्यादा परेशान हो गया है कि वहाँ का विदेश मंत्रालय ऊट पटांग बयान जारी कर रहा है। रविवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, भारत द्वारा व्यापार की छूट पर रोक लगाने का फैसला सही नहीं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में भी वैध और जरूरी कामों में लगे लोगों को भी आतंकवाद से जोड़ने का भारत का प्रयास है। अब ऐसे पाकिस्तानी हुकूमत से उम्मीद भी क्या की जाए, जो लोग खुद आतंकवादियों को अपनी धरती पर पनाह देते हो उनसे किसी भी तरह के जिम्मेदारी भरे बयान की उम्मीद करना फिजूल है। वैसे यहाँ पर ये समझना भी जरूरी है, जब भी पाकिस्तान को भारत की तरफ से करारा झटका लगता है तो वो बातचीत की पैरवी करने लगता है, वो भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। इस बार भी पाकिस्तान का वही चेहरा सामने आ गया है। पाकिस्तान के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार ही एक ऐसा माध्यम जिससे दोनों मुल्कों के बीच विश्वास पैदा किया जा सकता था। भारत का ये एक तरफा फैसला कश्मीरियों पर अत्याचार है। हम समझते हैं बातचीत एक तरीका है जिससे इन मसलों का समाधान भी निकाला जा सकता है। अब ये आतंक परस्त पाकिस्तान की फितरत बन गई है, पहले वो भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रचता है और फिर बातचीत के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन पाकिस्तान ये कैसे भूल जाता है कि ये नया हिंदुस्तान है जो उसके किसी भी प्रकार के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। भारत द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध लगाना भी इसी कड़ी में शामिल है। याद दिला दे, गुरुवार को मोदी सरकार ने पाकिस्तान को झटका देते हुए उसके साथ व्यापार पर रोक लगा दी थी। गृह मंत्रालय को पुख्ता जानकारी मिली थी उस रूट पर पाकिस्तान बड़ा हवाला कारोबार चला रहा है। सिर्फ यही नहीं, इस अवैध धंधे में कश्मीर घाटियों में आतंकवादियों को फंड उपलब्ध कराए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही सरकार को इस धांधली के बारे में पता चला उसने तुरंत ही पाकिस्तान के साथ व्यापार पर रोक लगा दी। पहले से ही चीन के कर्ज में डूबे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन डूबती जा रही है। ऐसे में भारत का पाकिस्तान पर व्यापार प्रतिबंध लगाना उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। आपको बता दे, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के आर्थिक मोर्चे पर घेराबंदी पुलवामा हमले के बाद से ही शुरू कर दी थी। पुलवामा हमले के बाद भारत की सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर नेशन का तमगा छीन लिया था। अब उस निर्णय के बाद सरकार का पाकिस्तान की LOC पर ट्रेड का सस्पेंड करना एक साहसी कदम है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन कुछ कश्मीर के स्थानीय नेता इस तरह का बयान देते हैं कि खुद पाकिस्तान को भारत को घेरने का मौका मिलता है। सरकार के इस कदम के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से एक हवाला कारोबार चलाया जा रहा है। खैर, पाकिस्तान अगर कश्मीर की चिंता छोड़कर अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे तो उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा, और उसे ये बात भी ठीक से समझ लेनी चाहिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।